न्यूज नेशन के टीवी एंकर दीपक चौरसिया अपने एक लाइव शो के दौरान लड़खड़ाती आवाज में उठपटांग बोलते नजर आए। जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहे एंकर ने उन्हें एक बार जर्नलिस्ट तक कह दिया। इस वीडियो को उनकी न्यूज चैनल के द्वारा यूट्यूब पर अपलोड भी नहीं किया गया। वीडियो में दिख रहा है कि दीपक चौरसिया शहीद CDS विपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस दौरान उनके शब्द ठीक से निकल नहीं रहे हैं। कई जगह वह दिवंगत जनरल का नाम भी गलत ले रहे हैं तो कई जगह जनरल को जर्नलिस्ट कह दे रहे हैं। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि YouTube से दीपक चौरसिया के एंकरिंग का वह वायरल वीडियो हटा दिया गया है। पत्रकार अविनाश दास ने लिखा है कि टीवी न्यूज मीडिया के स्वर्ण काल में शराब पीकर एंकरिंग करने के मामले में दीपक चौरसिया ने सबसे पहले बाजी मार ली है। अब ये चलन चल पड़ेगा, देखते हैं दीपक को कौन मात देता है। स्वाति चतुर्वेदी ने इस वीडियो पर पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या पॉप इंडिया ने इस पत्रकार पर हैशटैग जनरल विपिन रावत और मरने वाले अन्य लोगों का अपमान करने के लिए हमला किया है कि धोखेबाज राष्ट्रवादी भक्तों का चलन हो गया है कि उन्हें हवा में नशे में होने के कारण बर्खास्त कर दिया जाए। सभी म्यूट मोड पर। मतलब क्या बोलो, देश के लिए बेहतर हो, देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया हो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई हो। अब जनरल विपिन रावत की बात कर लें हम, तो जनरल विपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूं, उसका 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 जो सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। और मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि हमने एक ऐसा जनरल खो दिया है जो थिंकिंग जनरल था, जो बहुत ज्यादा सोचता था। एक ऐसा जनरल था जो जिसको पता था ऑपरेशन डिटेल्स में कैसे एग्जीक्यूट करना हो। ऐसा जनरल जिसको ये भी पता था कि हमारे दुश्मन कौन कौन है। तो जब जनरल विपिन रावत की बात होती है तो मेरे दिमाग में यही तीन चार चीजें आती हैं। मेरा कई बार उनसे इंडक्शन हुआ, आखिरी बार में उनसे 15 अगस्त में राष्ट्रपति भवन में मिला था। और मैं आपसे कह नहीं सकता कि मैं उनकी जो आखिरी मुलाकात है उसको कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर JK राय जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ मेजर जनरल GT द्विवेदी जुड़ने वाले हैं। हम सब श्रद्धांजलि देना उनको चाहेंगे, हम सब श्रद्धांजलि उनको देना चाहेंगे, हम उनको हाथ से नमन करना चाहेंगे। उन्होंने जो देश के लिए किया वो मैं कह नहीं सकता, मैं अब कह नहीं सकता अपने दर्शकों को, उन्होंने जो देश के लिए किया वो क्या किया समझ नहीं पाएंगे लोग। लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो एयर स्ट्राइक हुई, जो गलवान में हुआ, उस सब के फोर फ्रंट पे जनरल VP सिंह थे, वो जानते थे। टीवी नशीले दौर की झूमती पत्रकारिता का दर्शन किया जा सकता है। न्यूज नेशन टीवी के कंसल्टिंग एडिटर दीपक चौरसिया अपने शो देश की बहस के दौरान झूमते बहकते दिखे। दीपक चौरसिया ने शायद अपने पत्रकारिता जीवन में एक और अध्याय जोड़ दिया है। बृहस्पतिवार को अपने शो में दीपक भारत के CDS दिवंगत विपिन रावत के बारे में कुछ पैनलिस्ट से बातें कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो शो के दौरान नशा किस स्तर का था, जनरल विपिन रावत का नाम जनरल VP सिंह लेकर दीपक ने साबित कर दिया। इस वीडियो को सभी लोग सोशल मीडिया पर साझा कर पत्रकारिता के स्तर पर सवाल कर रहे हैं। ऑल्ट न्यूज के सह संपादक फैक्ट चेकर जुबेर ने वीडियो को ट्वीट कर साझा करते हुए लिखा कि दीपक चौरसिया को क्या हुआ, शो के दौरान सामान्य स्थिति में नहीं लग रहा है। उन्होंने विपिन रावत को VP सिंह के रूप में संदर्भित किया है। स्वतंत्र पत्रकार विनोद कापड़ी लिखते हैं कि देश के सेना से संबंधित प्रोग्राम को नशे की हालत में एंकरिंग करना दीपक चौरसिया की इस हरकत को आपराधिक बताते हुए कहा कि फर्जी राष्ट्रवाद का नशा जब नशों में दौड़ता है तो जुबान ऐसे ही लड़खड़ाती और असली चेहरा बेनकाब होता है। पत्रकार साक्षी जोशी ने दीपक चौरसिया के इस हरकत को निहायत ही शर्मनाक और निंदनीय कहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसे फर्जी राष्ट्रवादी चैनल पर देश की सेना से संबंधित प्रोग्राम करने की हिम्मत कैसे हुई, यह हमारे सैनिकों का अपमान है, ऐसे TV स्टूडियो पर लानत है। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल।
साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज़।